Assalamu alaikum viewers, I am Homa Slawat, and from this lecture I am going to start the implementation of our project. And you are already familiar with the project that we are going to develop in PHP code, and you must participate in this session, especially you beginners. And once again I am saying that the implementation is very important. If you can't implement this code, otherwise you can't understand better. And again I am saying you must implement this code, and let's start this lecture. लेक्चर शुरू करते हैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से कि आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको एक होम पेज ओपन होता है. लेट्स से कि मैंने fiverr.com ओपन किया है तो हमें आपको जो है होम पेज शो होगा. तो इस होम पेज पे क्या होता है कि जितनी भी डिटेल्स हैं फाइवर की या उसकी इंफॉर्मेशन की और जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड करनी है तो वो होम पेज पे शो हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पे हो रही है. तो वैसे ही ये इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज. तो आपने क्या करना है कि जो है हमारे कॉन्टैक्ट बुक जो हमने डेवलप करनी है तो उसका आपने एक जो है लैंडिंग पेज या होम पेज डिज़ाइन कर लें, क्योंकि आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप ये जो है पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते तो हम जो है वो बूटस्ट्रैप जो ऑलरेडी हमने सेशन शुरू किया हुआ है तो उसमें हमने ये जो लैंडिंग पेज होगा उसको डिज़ाइन करेंगे. उसमें आपकी बूटस्ट्रैप भी क्लियर हो जाएगी और जो है आपका लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये जो ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने साइन इन करना है, ज्वाइन करना है और कुछ और आपने कोई भी सर्विसेज उनकी देखनी है तो वो आप वो उसने ऑप्शंस दिए हुए तो आप देख सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन, सबसे पहले क्या करना होता है कि उसको हमने ज्वाइन करना होता है, ख़ुद को रजिस्टर करना होता है. तो रजिस्टर करने के लिए जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा. तो वैसे ही हमारी जो है वेबसाइट में क्या होगा कि आपके पास एक लैंडिंग पेज होगा तो वहाँ पे हमारे पास ये नेवबार होगी. तो नेवबार पे आपको दो ऑप्शन होंगे, एक साइन इन और लॉगिन का, साइन अप था इसको चेंज करना. तो साइन अप पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा. तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये होगा कि आपकी जो है वो डिटेल्स मांगेगा. डिटेल्स जब आप उसको एंटर कर देंगे तो उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो बैकएंड पे चला जाएगा और बैकएंड से उसके बाद डेटाबेस में स्टोर होगा. तो जब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा. डैशबोर्ड में क्या होगा कि जो है हमने कॉन्टैक्ट बुक लिस्ट जो देख सकते हैं उसको जो भी फंक्शनैलिटीज़ में डेटाबेस में हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे कि आप उसको किस तरह आगे लेके जाना वो हम डैशबोर्ड पे आके करेंगे. अब ये हमने फॉर्म को हैंडल करना है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने हैंडल करना है. तो इस लेक्चर में हमने ये डिटेल देखनी है कि इस फॉर्म में जो भी डाटा आपने एंट्री किया हुआ है वो आप उसको डेटाबेस में किस तरह बैकएंड पे किस तरह आप उसको सेंड कर सकते हैं और जो है बैकएंड वो उस डाटा को किस तरह रिसीव करेगा वो आप इस लेक्चर में देखेंगे. तो जो फॉर्म है उसमें क्या होता है कि फॉर्म में जो आपको ऑलरेडी पता है बूटस्ट्रैप के लेक्चर में बताया भी था कि फॉर्म में जो है वो हमारी इनपुट्स होती हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है और रेडियो बटन्स और जो चेक्स बॉक्स डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारी होती हैं और बटन्स भी होते हैं जैसे ये सबमिट और कैंसिल, ये हमारी फॉर्म्स में आती हैं. तो ये जो है वो इस चीज़ से वो हमारा फॉर्म क्रिएट होता है. तो जब हमारे पास क्या होता है कि आप जब ये वैल्यूज़ एंटर करते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन और यहाँ पे ये जो है आप सारी जो वैल्यूज़ हैं आप एंटर करते हैं, उसके बाद जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये जो डाटा है ये हमारा कलेक्ट हो के बैकएंड पे जाएगा और बैकएंड उसके बाद उसको इस डाटा को यूज़ करना है. यूज़ ऐसे कि उसको वैलिडेशंस लगानी है या कोई और फंक्शनैलिटीज़, या अगर लेट्स से कोई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो बैकएंड ने करनी है. अगर लेट्स से जैसे यहाँ पे हमने इसको डेटाबेस को इस डाटा को हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो वो बैकएंड नहीं करना है. तो अब हमारा फर्स्ट काम ये है, फर्स्ट जो हमने देखना है कि इस डाटा को हम बैकएंड पे किस तरह सेंड कर सकते हैं. तो उस बैकएंड पे सेंड करने के लिए हम इस डाटा को कलेक्ट भी करना है. उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड. इस दो मेथड्स के थ्रू हम जो है वो डाटा बैकएंड पे सेंड कर सकते हैं. तो हम कोड की तरफ जाते हैं. तो कोड आप लोगों ने ये जो है साइन अप जो फॉर्म है वो ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया हुआ है तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. अब
तो इसमें ये होता है कि फॉर्म में इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स में फॉर्म में जैसा कि फर्स्ट एट्रीब्यूट्स में मेथड्स और एक्शंस होते हैं, उसके बाद इनकोडिंग टाइप होती है, और इसके अलावा और भी होते हैं. इसमें सबमिट भी होता है, और इसके अलावा रीसेट भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें नेम भी होता है. नेम ये इसके जो है फॉर्म के अपने एट्रीब्यूट्स हैं. तो ये आपको ये हर लाइन में ये आपको जो है सेपरेशन नज़र आ रही है, क्योंकि सब लाइन में क्या होता है कि जो पूरा कोड है वो एक लाइन में होता है. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कि आपको एक लाइन में कोड लिखते थे, तो आपने कन्फ्यूजन नहीं होना. तो ये जो चीज़ें हैं आपको लाइन सेपरेशन के साथ भी आप लाइन ब्रेक करके भी ये चीज़ें लिख सकते हैं. तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमने फॉर्म में यूज़ करने हैं, और दो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमने बैकएंड में जो यूज़ करने हैं. वो दो जो हैं वो एक्शंस आपने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट जो है वो हमारा एक्शन मेथड है, एक्शन एट्रीब्यूट, और जो सेकेंड है वो हमारा मेथड एट्रीब्यूट है. ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं. ये आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में आपने क्या करना है. तो जो कोई भी पोस्ट करना हो जो है, सॉरी, हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमारा फॉर्म जो हमने वैल्यूज़ इनपुट में एंटर की हैं उसको हमने कलेक्ट करना होता है. तो कलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताया है कि हम उसके लिए गेट फंक्शन, गेट मेथड या पोस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो वो हम उसके साथ हमारा जो डाटा होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, और उसने फिर बैकएंड पे सेंड कर देना. तो ये होगा कि हम इस मेथड में हम ये जो टाइप है हमारी जो मेथड टाइप है वो हम इसमें देते हैं. लेट्स से मैं यूज़ कर लेता हूँ पोस्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ. आप इसको स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है. तो यहाँ पे हमने ये यूज़ कर लिया हूँ. उसके बाद ये जो है हमने डाटा कलेक्ट करने के बैकेंड पे भेजना है. तो बैकेंड हम जो है वो PHP फाइल हो सकती है. तो हमने PHP फाइल बैकेंड के लिए बना लेते हैं. तो PHP यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकेंड, या कुछ भी नेम दे लें आप उसका, .php एक्सटेंशन नेम. अब ये जो फाइल है ये आपने कहाँ पे रखनी है, जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है. कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ज़ैम्प में और htdocs में. मैंने फॉर्म का फोल्डर बनाया हुआ है. फॉर्म में ये जो है हमारे रजिस्ट्रेशन .html फाइल पड़ी हुई है, और उसके बाद जो है वो हमारी बैकेंड .php, जहाँ पे हमारा बैकेंड जो डाटा है वो जो बैकेंड कोड होगा वो हमारा होगा. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ना ज़रा लाइन ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ. उसके बाद PHP टैग, यहाँ पे हमारा बैकेंड कोड होगा. तो फर्स्ट काम ये है कि हमने यहाँ से जो डाटा, हमने फ्रंट एंड से जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमने बैकेंड के थ्रू बैकेंड पे हमने भेजना है. तो यहाँ पे जो एक्शन है वो हमारा फाइल नेम होगा जहाँ पे हमने डाटा सेंड करना है. तो यहाँ पे मैंने बैकेंड .php फाइल में सेंड करना है. तो यहाँ पे मैं बैकेंड .php फाइल नेम ये दे देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक्शन नेम में, क्योंकि ये जो फाइल है रजिस्टर .htm और बैकेंड.php, ये दोनों सेम फोल्डर में थी, तो इसलिए मैंने वो फिर रेफरेंस उसका यूज़ किया. अगर इसका रेफरेंस किसी और फोल्डर में होता, अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया हुआ था, अभी वहाँ पे मैंने ये फाइल रखी हुई है, तो यहाँ पे आपने वही लोकेशन देनी है जहाँ पे ये फाइल पड़ी होगी. सो आगे मूव करते हैं कि अब हमने ये जो डाटा है वो हमने कलेक्ट भी कर लिया हुआ है. जो भी हमने वहाँ पे एंट्री किया था यहाँ पे, तो वो हमने कलेक्ट कर लिया हुआ है पोस्ट मेथड के थ्रू. तो हमने अब उसको भेजना है बैकेंड पे. सो बैकेंड पे भेजने के, इसको करते हैं क्लोज. तो बैकेंड पे भेजने के लिए हम जो है वो, अगर पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे पोस्ट जो है रिक्वेस्ट हम यूज़ करेंगे $ और अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट. और इसमें एक चीज़ में वो मैं बताना भूल गया था कि ये जो मेथड्स हैं ये अरे फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं. अरेज में जो क्या होता है कि अगर ये जो है हमारे पास इनपुट है, लेट्स से कि नेम की इनपुट है, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो जो पोस्ट मेथड है वो गेट करेगा. फर्स्ट चीज़ ये जो है, ये जो हमारे पास नेम है वो उसने उठाना है. उस दूसरी जो है वो जो वैल्यू हमने एंटर की हुई है, तो उस वैल्यू को उसने उठाना है. तो ये पोस्ट जो है अरेज फॉर्म में उसको हमने जो है वो स्टोर करेगा, उसको कलेक्ट करेगा. तो
यहाँ पे हमने पोस्ट में हमने जो है की या नेम एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया था उसने वहाँ पे हमने नेम में देना है। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा होगा। लेट से कुछ भी आप इसमें लिख लें, माय नेम लिख लें, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसमें जो भी आपने जो वैल्यू दी होगी वो आपने यहाँ पे देनी होती है। तो यहाँ पे माय मैंने क्या नाम यूज़ किया हुआ है इसके लिए, माय नेम यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ माय नेम। अब ये जो है हमारी वैल्यू बैकएंड पे आ गई है। तो बैकएंड के लिए क्या करते हैं कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे आपने पोस्ट यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हमने यूज़ की है, पोस्ट के थ्रू हमने उसको डाटा को बैकएंड पे गेट करना है। यहाँ पे हम डाटा रिसीव कर रहे हैं नेम एट्रीब्यूट का, नेम एट्रीब्यूट नेम सॉरी नेम इनपुट में जो भी वैल्यू दी हुई है वो हमने बैकएंड पे रिसीव कर ली हुई है यहाँ पे। तो हम मैं इसको इको करवा के आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू आ भी रही है यहाँ पे कि नहीं। और यहाँ पे फाइल नेम भी हमने दे दिया हुआ बैकएंड डॉट पीएचपी, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। आपने ये सर्वर पे रन किया हुआ है तो सर्वर पे हमने रन किया हुआ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सनावर सनावर, और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं और फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी रहने देते हैं, पासवर्ड और ये भी कुछ भी रख दें। अब ये देखें, अब ये उसने रीडायरेक्ट कर दिया है हमारी बैकएंड डॉट पीएचपी फाइल में, क्योंकि हमने एक्शन नेम में हमने जहाँ पे डाटा सेंड करना था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था एक्शन मेथड में, तो वो उसने डायरेक्ट कर दिया हमारी बैकएंड डॉट पीएचपी फाइल में। और यहाँ पे हमने जो भी एंटर किया हुआ था नेम वो जो है बैकएंड में बैकएंड ने शो करवा दिया हुआ, क्योंकि हमने इको के थ्रू उसको प्रिंट करवाया था। अभी हम मैंने सिर्फ नेम को गेट किया, नेम को रिसीव किया, हालांकि वहाँ पे जो फॉर्म का जितना भी डाटा था वो उसने कलेक्ट कर लिया था और उसने बैकएंड पे सेंड कर दिया हुआ। अब हमारा काम यहाँ पे रिसीव करना होता है, तो वो हम मेथड्स के थ्रू ही उसको रिसीव कर सकते हैं। तो अब मैंने लेट्स से कि मैंने जो है वो इसको रिसीव करना है नेम, और उसके बाद क्या है हमारे पास फ़ोन नंबर, उसको मैंने रिसीव करना है। तो मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेथड वहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही देना है। उसके बाद मैंने फ़ोन को मैंने गेट करना है, तो उसको फ़ोन में मैं देख लेता हूँ कि नेम एट्रीब्यूट में उसमें क्या वैल्यू मैंने दी हुई है। तो मैंने दी हुई है फ़ोन, तो यहाँ पर मैं भी दे देता हूँ फ़ोन डबल कोट्स में फ़ोन। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, मैंने फ़ोन में 23 and 42 ये एंटर किया हुआ था। बैक जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और मैं कोई भी और वैल्यू दे देता हूँ एक एंड ईमेल कुछ भी दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं नंबर एंटर किया हुआ है, और उसके बाद ये जो है कुछ इसको रहने देते हैं सबमिट पे। जब मैंने क्लिक किया तो जो है वो मैंने जो भी वैल्यू वहाँ पे मैंने रिसीव की थी, मैंने अभी रिसीव तो मैंने सारी वैल्यूज़ कर ली हैं बैकएंड पे, लेकिन मैंने सिर्फ दो वैल्यूज़ शो करवाई हैं ब्राउज़र पे। तो आप वन बाय वन जितनी भी आपने वैल्यूज़ वहाँ पे सेंड की हैं आपने वन बाय वन उसको आपने उसको शो करवाना है ब्राउज़र पे। आप चेक करना है कि जो वैल्यूज़ आपने बैकएंड पे फॉर्म पे जो आपने एंटर की थी वो बैकएंड पे जा भी रही हैं या नहीं जा रही, आपने हर वैल्यूज़ को उसको चेक करना है। तो इस तरह हमने जो है बैकएंड पे वैल्यूज़ रिसीव करते हैं, और उसको हमने रिसीव करके आगे किस तरह उसको यूज़ करना है वो अगला हमारा काम होता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। तो बैकएंड पे यहाँ पे हमने डेटाबेस में भी स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में वो किस तरह स्टोर करवाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ ब्राउज़र पे शो करवाया कि हमने जो है बैकएंड पे हमारी वैल्यूज़ गेट हो चुकी हैं। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी बैकएंड पे जा चुकी हैं, अब हम इसको आगे यूज़ करना है वो हमारा अगला स्टेप होगा कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, तो वो हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो दूसरी चीज़ मैंने ये बतानी थी कि अब ये जो है हमने पोस्ट मेथड तो यूज़ कर लिया, अब मैंने गेट मेथड यूज़ करना है। गेट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं गेट मेथड दे देता हूँ। अब इसको मैं स्मॉल भी दे सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कैपिटल में ही देना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने गेट मेथड यूज़ करना, यहाँ पे भी गेट दे दें और यहाँ पे भी आप जो है वो गेट दे दें। अब डिफरेंस देख लेते हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं सनावर ही दे देता हूँ, और उसके बाद ईमेल कोई भी दे लें और फ़ोन नंबर भी दे लें, इसको भी रहने दें।
अब ये देखें, आपने डिफरेंस अभी शायद आपने नोट किया होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वैल्यू शो हो रही है और सेम एज दैट के जैसे पोस्ट में काम कर रहा था और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। और डिफरेंस कहाँ पे है कि डिफरेंस ये है कि ये जो वैल्यूज गेट मेथड के थ्रू जा रही है वो यूआरएल के थ्रू जा रही है। यहाँ पे देखें वैल्यूज़ में नेम, माई नेम जो हमारा नेम का एट्रीब्यूट था, और उसके बाद हमारी वैल्यूज़, ईमेल में हमने कौन सी वैल्यू दी थी, ये जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये फ़ोन और उसके बाद पासवर्ड, जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमारी यूआरएल के थ्रू जा रही है, हमें यूआरएल के थ्रू बैकएंड पे रिसीव होगी वैल्यूज़। तो अब इसका मसला है और इसका जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं कि अगर लेट्स से कि आपका जो पासवर्ड है वो आपने एंटर किया है और आपने गेट मेथड यूज़ किया हुआ है तो जो पासवर्ड है वो भी आपको शो होगा यहाँ पे। अब ये ज़्यादा सिक्योर मेथड नहीं है, तो आप उसके लिए फिर पोस्ट मेथड यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एंड आप इसकी लिमिटेशंस दूसरी ये भी है कि इसमें गेट मेथड में 2000 करेक्टर से ज़्यादा डाटा जो है वो आप नहीं भेज सकते बैकएंड पे, तो ये लिमिटेशंस है। और जो पोस्ट मेथड है उसमें हम अनलिमिटेड जो डाटा है वो आप भेज सकते हैं, तो इसलिए जो डेवलपर्स हैं वो पोस्ट मेथड को ही प्रेफर करते हैं। और आपने भी ये प्रेफर, आपने दोनों ट्राई करना है, लेकिन ये जो प्रेफर करना है वो पोस्ट मेथड ही करना है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अभी आपने नोट किया होगा ये जो हमने फ्रंट एंड का जो कोड है वो अलग फाइल में लिखा था और जो बैक एंड कोड है वो हम एक अलग फाइल क्रिएट की थी जहाँ पे सिर्फ हमारा बैक एंड कोड होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप एक फ़ाइल बना लें, पीएचपी की फ़ाइल बना लें एंड उसमें हमारा जो है वो बैक एंड कोड भी होगा और फ्रंट एंड कोड भी होगा। मैं सबसे ज़्यादा ये इसी पे ही काम करता हूँ कि एक फ़ाइल बनाता हूँ उसमें बैक एंड कोड भी एंड फ्रंट एंड कोड भी हो जाता है, तो ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती। तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा कि वो किस तरह हम कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर को हर सूरत इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इस चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं एंड इवन हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये साथ साथ करने हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, और जो है लेक्चर्स जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपने वो देखना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।